के साथ आज हम जायका रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई। अचानक हमें पता नहीं था, लेकिन रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उन्होंने हमें बताया कि वली रहमानी भाई आ रहा है, तो मुलाकात भी हो गई। वली भाई, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के बारे में? ब्लॉग बनाए, प्रोफेशनल ब्लॉग बनाए जी, और हर दिन बेहतर बनाते जाए ब्लॉग को इंशाल्लाह, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह ही उठा था और अभी वक्त हो रहा 8:17, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ अभी, और अभी हमें जाना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया। आज है जामिया 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम, 8:30 बजे तक घर से निकलना है, और अभी मैं छत पर थोड़ा सा टहल रहा हूँ। सबसे पहले मैं सुबह नहाया धोया और उसके बाद नाश्ता किया, फिर अभी नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा वक्त मिला है तो छत पर आया हूँ। सोचा ब्लॉग भी शुरू कर लूँ तो इसी बहाने टहल भी लूँगा। और मौसम सुबह का तो बहुत सही होता है, लेकिन दिन में जितनी गर्मी होती है, गर्म हवा लू तो बहुत भयानक। दिल्ली की गर्मी वैसे भी फेमस है। ये देखें, सुबह का मौसम काफ़ी प्यारा होता है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, धूप जो होती है नॉर्मली होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरती है वैसे वैसे धूप तेज़ होती है। अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ देखें कबूतर, एक मीनार वाली मस्जिद दिख रही है और सुपरनोवा। तो मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया गेट नंबर 17 स्कूल पर आ चुका हूँ, और आज 11th का एंट्रेंस है। तो यहाँ पर भीड़ें हो रही हैं, लोग आ रहे हैं एंट्रेंस के लिए, और लोगों को एंट्री भी मिल रही, जो आ रहे हैं वो एंट्री लेते जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है 11th का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, ये रहा गेट नंबर 17, और यहाँ पर एंट्री मिलना शुरू हो चुका है, इस वजह से बाहर में भीड़ कम हो रही, लोग एंट्री लेकर गेट के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं गेट नंबर 17 में हूँ, और यहाँ पेरेंट्स को एंट्री मिल गई है, क्योंकि बाहर में बहुत ही ज़्यादा एक तो गाड़ी की भीड़ होती है, और जो आ रहे हैं उसको, जो आ रहे हैं पेरेंट्स, उनको आने से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और गर्मी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो जामिया में वैसे भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो स्पेस होने की वजह से यहाँ पर लोगों की अंदर एंट्री मिल गई है, और लोग पेरेंट्स लोग जो हैं अंदर से आराम से बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर छाँ है और थोड़ा छाँ में बैठना सही है यहाँ पर। तो देख सकते हैं पेरेंट्स इधर बैठे हैं पार्क में। तो दोस्तों, मैं अभी जायका रेस्टोरेंट में हूँ। जायका रेस्टोरेंट 40 फुट्टे पर है, आज एक नया उद्घाटन हुआ है ये उखला विहार मेट्रो स्टेशन के पास, तो अभी मैं वहीं पास हूँ। और यहाँ पर है वली रहमानी साहब, सामने वली रहमानी भाई जो जायका रेस्टोरेंट का आना का लुत्फ ले रहे हैं और बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। और जायका रेस्टोरेंट आज उद्घाटन हुआ है यहाँ पर, तो काफ़ी खूबसूरत रेस्टोरेंट है यहाँ पर। इसके नीचे अंडरग्राउंड पर दिया गया और उसके ऊपर एक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन सजावट की गई है। आज ही उद्घाटन हुआ इसलिए यहाँ पर गुब्बारे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। आज पहला दिन है यहाँ पर, तो आने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया जायका रेस्टोरेंट का, और वली रहमानी भाई इधर रहे। तो अभी हम जायका रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करेंगे यहाँ पर कैसा है, और अभी मैं थोड़ा हाथ धो लूँ आगे। सबसे पहले काफ़ी यूनिक यहाँ पर बनाया गया है हाथ वाथ धोने का, तो मैं सोच रहा हूँ हाथ धोकर बैठूँ और खाना खाऊँ, देखूँ कैसा खाना है। मौका मिला है यहाँ पर बहुत दिन बाद एक बार फिर से, तो चेक करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ का खाना कैसा, रिव्यू देंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे अभी, और हम भी चेक करते हैं यहाँ का खाना और उसके बाद आपको बताते हैं। मैंने ट्राई किया है तंदूरी चिकन, बहुत ही बेहतरीन था तंदूरी चिकन, और इसके अलावा मैंने बिरयानी को लिया भी, बिरयानी काफ़ी सारा है। वैसे अभी दोपहर का खाना जो मैंने खाया था बिरयानी खाया था, लेकिन यहाँ पर का बिरयानी देखने से अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम मैं कहीं खा कर आ रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा अलग बिरयानी था, लेकिन यहाँ पर बिरयानी देखने के बाद ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप इधर देखें क्या बिरयानी है, वो अभी खाने के बाद पता चलेगा इसका जायका कैसा है, जायका रेस्टोरेंट का। तो खाते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। भाई के साथ आज हम जायका रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई, अचानक हमें पता नहीं था, लेकिन रेस्टोरेंट के जो मालिक थे उन्होंने हमें बताया कि वली रहमानी भाई आ रहा है, तो मुलाकात भी हो गई। वली भाई, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के बारे में? ब्लॉग बनाए, प्रोफेशनल ब्लॉग बनाए जी, और हर दिन बेहतर बनाते जाए ब्लॉग को इंशाल्लाह, है ना। उसमें कंटेंट अच्छा कंटेंट है, लाइफ स्टाइल पर ब्लॉग होता है। मैं वैसे जामिया से मास मीडिया कर रहा हूँ, तो साइट से अपना ब्लॉग। ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, जॉब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, मैं जायका रेस्टोरेंट में बिरयानी और चिकन तंदूरी का जायका लिया, बहुत ही जबरदस्त जायका रेस्टोरेंट का ये
जायका था, बहुत ही अच्छा नाम है जायका रेस्टोरेंट। तो जायका रेस्टोरेंट का जो जायका है बहुत ही शानदार है, और यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। अगर आप खाना खाने आते हैं तो आपको लोकेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा और खाने में भी मज़ा आएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, आज पहला दिन था यहाँ पर, और इसके अलावा नीचे में आपको मैंने पहले भी बताया तो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, शानदार रेस्टोरेंट है। इसके अलावा 40 फुट्टा शाहीन बाग 40 फुट्टे पर भी है सेम इसी नाम से। तो दो दो ओखला के अंदर जायका रेस्टोरेंट दो हो गए हैं, और बताया है इन्होंने आगे चलकर और भी रेस्टोरेंट होंगे, तो आप लोग बने रहें, चैनल को एंजॉय करें। तो दोस्तों जायका रेस्टोरेंट का जो अंडरग्राउंड जो है बैठने का, वो उसी जगह पर हूँ, एक तो इसके ऊपर में है और दूसरा जो जगह बनाया गया है नीचे कैबिन में, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। एक बार में कितने लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं आप बता दें? 80 लोग ऊपर और नीचे मिलाकर, ऊपर 30 लोग नीचे 50 लोग, तो एक बार में 80 लोग। यहाँ पर क्या क्या इंतजाम किया गया है? इंतजाम जैसे कोई पार्टी कर सकते हैं, हाँ, या फिर रमजान में अफ्तार पार्टी होती है, या फिर बर्थडे पार्टी होती है वगैरह वगैरह, अलग अलग सारी चीजों के लिए अरेंजमेंट किया गया है। खासकर हमने खुसूसन इसको तो इसी पर्पज से बनाया है हॉल को, इसमें बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, जिस तरह की छोटी मोटी पार्टी हो या रमजान अफ्तार पार्टी, इस तरह की पार्टी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओखला के अंदर अब दो दो जायका रेस्टोरेंट खोल दिया गया है। अब ओखला वालों के लिए जो बटला हाउस से जो 40 फुट्टी की ओर गुजरते थे शाहीन बाग में, अब ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन रुक कर यहाँ पर भी जायका रेस्टोरेंट का जायका ले सकते हैं। तो दोस्तों कल रात घर आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गया था, तो मैं घर आकर सो गया था और वीडियो को समाप्त भी नहीं किए थे, तो अभी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जायका रेस्टोरेंट जाना हुआ था, वहाँ का वीडियो थोड़ा बनाया, वहाँ पर खाना वाना चल रहा था, तो काफ़ी बेहतरीन रेस्टोरेंट खुला है एक बार फिर से ओखला में, तो आप लोग विजिट करें वहाँ। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट कर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीछे का बाल सही नहीं है मेरा।